अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नजब अमीर और आप देख रहे हैं एएच मैथ एकेडमी। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 2.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्दर कुछ क्वेश्चंस आगे भी देखेंगे हम। तो चलिए आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग बार बार 8 के क्लास से जो स्टडी करते आ रहे हैं, तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपको यूनियन का करवा दूंगा, एक इंटरसेक्शन का करवा दूंगा, तो उम्मीद है आपको वो क्लियर होंगे। वैसे भी आपको ये पहले से मेमोराइज होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। तो हमारा सेकंड पार्ट है एन कॉमा जेड। तो हमारे पास ये दो सेट हैं, एन से हम मेंशन करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, ये स्टूडेंट मैंने इसके 5 एलिमेंट ले लिए, और ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में मैं पॉजिटिव नंबर ही ले लेता हूँ, 3, 4, 5, ये एलिमेंट मैंने ले लिए। अब स्टूडेंट्स, इनका जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब स्टूडेंट, यूनियन के लिहाज से उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने लगे, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, इसे लिखेंगे एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेनी है, एन यूनियन जेड। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लगा हूँ, एन के एलिमेंट आपके पास 1, 2, 3, 5 तक आ रहे हैं, और जेड के आपके पास क्या आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है, और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो होगी जेड यूनियन एन। तो स्टूडेंट, इसे भी डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये स्टूडेंट उसका जो हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिहाज से स्टूडेंट्स क्या होगी, हम इसे लिखेंगे एन इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास एन इंटरसेक्शन जेड। तो स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, तो इसके कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, राइट हैंड साइड है हमारे पास जेड इंटरसेक्शन एन। तो जेड इंटरसेक्शन एन भी आपके पास स्टूडेंट यही आएगा 1, 2, 3, 4, 5। Here left hand side is equal to right hand side. ये स्टूडेंट हमने इसके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रूव कर दिया, इसके बाकी जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ए बी एंड सी आर गिवन बिलो। स्टूडेंट, कुछ सेट नीचे दिए गए ए बी सी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं वो आप लोगों ने जो है सेटिस्फाई करवानी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, फर्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, आपके पास जो भी एलिमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, सेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। कम्यूटेटिव के लिए 2 होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, 2 नंबर्स हो सकते हैं, और जो एसोसिएटिव होती है या डिस्ट्रीब्यूटिव होती है उसके लिए मिनिमम आपके पास 3 एलिमेंट या 3 सेट्स होने चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी। हम लेट कर लेते हैं कि कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, लेट सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3, सेट बी इज 2, 3, 4, सॉरी इवन नंबर रख लेते हैं 2, 4, 6,
और सी सेट आपके पास आ जाएगा 0, 1, 2। ये हमारे पास तीन सेट्स हैं, उनके हमने खुद से कोई वैल्यू ले ली है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होती क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। स्टूडेंट यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का प्रोसेस सेम ही है, इंटरसेक्शन में जस्ट आपने कॉमन लेना है और यूनियन में आपने सब एलिमेंट्स को एक बार लिख लेना है। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, आप एक लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ भी पहले लिख लें आप ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ स्टूडेंट अगर आप पहले दो एलिमेंट के ग्रिड ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ बाद वाले दो एलिमेंट्स के ग्रिड आपने क्या कर लेनी है, ब्रैकेट लगा लेनी है। अगर आप यहाँ बाद वाले दो एलिमेंट्स के ग्रिड, दो सेट्स के ग्रिड आप लाइन लगाएंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ आप फिर आपको पहले दो एलिमेंट अंडरलाइन करने होंगे। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो स्टूडेंट आप इसे हल करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले स्टूडेंट क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। स्टूडेंट मैं एक साइड आपको हल करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट साइड आई होप कि आप वो खुद कर लेंगे, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन वाले सवाल आपको अच्छे तरीके से आते होंगे। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आप 1, 2, 3, 4, 6। और अगर इसका आप यूनियन ले लें यूनियन सी, तो स्टूडेंट ये ए यूनियन बी है और ये सी एलिमेंट है आपके पास, तो क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 6। तो स्टूडेंट ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसी तरह आपने क्या करनी है, उसकी राइट हैंड साइड हल करनी है। उसमें आपने क्या करना है, पहले जो है बी यूनियन सी करना है, फिर उसको यूनियन क्या करेंगे ए के साथ ले लेंगे, तो आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगी और आपका जो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन या इंटरसेक्शन जो भी हो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसका थर्ड पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी आपके पास कम से कम यहाँ सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो तीन सेट्स होने चाहिए। वो किस टाइप के होने चाहिए, अब यहाँ लिखा है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो आप इसे यूं लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी यह आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये स्टूडेंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें जो बाहर एलिमेंट होता है तो उसको आपने बारी बारी फर्दर फर्दर हर एक के साथ आपने यू करना है, ए को बी के साथ लिख लेना है और इंटरसेक्शन लगा के ए को सी के साथ भी लिख देना है। ये आपके पास एक लेफ्ट साइड आ चुकी है और एक राइट साइड आ चुकी है, इसके आप जो भी एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट पुट करने के बाद आप जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल कर सकते हैं। बस यही ख्याल रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है यूनियन, तो पहले यूनियन लगाएंगे ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन के बाद जो प्रोसेस है पहले स्टेप में वो इंटरसेक्शन का है, तो पहले यूनियन लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन। अगर इसी तरह आ जाता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो देन स्टूडेंट आपने पहले इंटरसेक्शन लगा देना है एंड फर्दर आगे क्या कर देना है यूनियन का साइन लगा देना है, उसे एक्सपेंड कर देना है आप लोगों ने, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। इस तरह इसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें उसने यही पूछा है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कमुटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीपल एडिशन सॉरी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। ये सारे यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है। जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 करवाने लगा हूं, ये मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। ये भी बेसिकली मिडिल क्लासों से ही स्टार्ट हो जाता है, डी मॉर्गन लॉ, और वो भी आई होप आपको आता होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 3 हाँ ओके डी मॉर्गन लॉ, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। अब स्टूडेंट डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ये डी मॉर्गन लॉ होते कौन कौन से हैं। पहला डी मॉर्गन लॉ होता है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और सेकेंड वन होता है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये उसके दो लॉज हैं, डी मॉर्गन लॉ इन्हें कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर सेंटर में यूनियन आ रहा है और होल का कम्प्लीमेंट है, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा और सेपरेट सेपरेट उनका कम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा, यूनियन, यहाँ होल का कम्प्लीमेंट है तो यहाँ सेपरेट सेपरेट दोनों का अलहदा अलहदा कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम एक प्रूफ कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले को प्रूफ कर रहे हैं। इसकी पहली साइड है हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। आपने स्टूडेंट यहाँ सेट्स कुछ ले लेने हैं, आई होप के यहाँ पर उन्होंने दिए हुए होंगे। जी स्टूडेंट, इन्होंने यहाँ पर जो है सेट्स दिए हुए हैं, तो यू सेट 1 to 20 आ रहे हैं हमारे पास और ए सेट आ रहे हैं हमारे पास 2, 4, 6 to 20। ये इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 20। यू सेट हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है 1, 2, 20 और जो बी सेट है वो है स्टूडेंट 1, 3, 5, 19 और नंबर है। ये स्टूडेंट्स ने तीन सेट ऑलरेडी गिवन कर दी हमें, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर दें ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी आप लोगों को करना आता है, ए और बी का यूनियन ले लेंगे। तो देखें यहाँ ऑड नंबर आ रहे हैं और यहाँ पर क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 up to 20 तक ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब स्टूडेंट इनका कम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यू में से माइनस कर लेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी। ये स्टूडेंट बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं जस्ट ये एक पॉइंट इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि बाज़ों का ऐसा होता है कि डिमार्गन लॉ जो है बच्चों को फिर भी सही तरीके से जो है ना कम्प्लीमेंट निकालना नहीं आ रहा होता या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही होती हैं। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी और सिंपल सही है। जैसे इसमें आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और कम्प्लीमेंट लेना आना चाहिए, तो बाकी क्वेश्चन की तरह ही है और ये दोनों आपने मेमोराइज भी कर लेनी, ये दोनों लॉ हैं, इनमें से कोई एक जो है आपने प्रूव कर लेना है। तो यू सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स 1, 2, 3 up to 20 तक और ए यूनियन बी हमारे पास भी क्या आ रहा है 1, 2, 3 और ये भी कहाँ तक आ रहा है 20 तक। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आप इसकी जगह यूँ लिख लें एम्प्टी सेट। ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ये ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ले लिया। नेक्स्ट पार्ट में इस तरफ सोल्व कर रहा हूँ, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये है इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो आपने पहले ए कम्प्लीमेंट स्टूडेंट फाइंड कर लेना है, वो किसके बराबर है यू माइनस ए के। अब स्टूडेंट यू सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3 up to 20 तक माइनस ए सेट के एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं हमारे पास, वो है 2, 4, 6, 8 and 20। अब स्टूडेंट जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टोटल 20 और वो इवन नंबर है, इवन नंबर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1, 3, 5 और नंबर आपके पास बाकी रह जाएंगे। ये कॉमास लगाना मत भूलिएगा, ये सेट के लिए लाजमी होता है। अब बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो बी कम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यू माइनस बी कर देंगे। अब अगेन एलिमेंट लिख रहा हूँ 20 माइनस बी सेट के एलिमेंट, हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं 1, 3, 5 up to 19। स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट था, ये माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट आया है। ये हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, ये यहाँ से इवन नंबर आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 and up to 20 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास स्टूडेंट 1 to 20 तक नंबर्स आ रहे हैं और ये हमारे पास जस्ट ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे। अब इसे लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या आया है, ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास टोटल ऑड नंबर आ गए हैं 7 and up to 19 तक इंटरसेक्शन, और बी कम्प्लीमेंट में स्टूडेंट हमारे पास टोटल इवन नंबर आए हैं 2, 4, 6, 8 and up to 20। तो स्टूडेंट इवन और ऑड नंबर में तो आपको पता है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इसे आप 1 का नाम दे दें, ये आपके पास 2 आ जाएगा। सो बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास डिमार्गन कानून जो है, डिमार्गन लॉ का प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
मज़ीद भी किसी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फर्दर अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।